हेलो एवरीवन आज जो टॉपिक डिस्कस करने को हैं हम वो है डी एसिड्स डी एन एसिड्स दो किस्म के हैं डी एसिड्स एंड राइबो एसिड्स मेनली दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं इन दिस लेक्चर वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस डी एन ए आर एन ए पर एक दूसरा लेक्चर है जो कि आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं हम देखते हैं कि डी एन ए कहाँ पर पाया जाता है उसकी अक्रंस के बारे में हम जानेंगे डी एन फाउंड इन साइड द न्यूक्लियस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट प्लांट वायरसेस प्लांट वायरसेस के अलावा ऑलमोस्ट ये तमाम आ, जो आ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और प्लांट वायरसेस में भी डीएनए की बजाय आरएनए प्रेजेंट होता है कुछ वायरसेस uh, में जो कि uh, वहाँ पर उसकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको uh, उसको कंट्रोल करता है या एक जेनेटिक uh, मटेरियल uh, के तौर पर वहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है डीएनए इन स्मॉल अमाउंट इज़ल्सो प्रजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ट्रिया हम देखते हैं अब केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डी एन ए ऑफ़ थ्री कंपोनेंट्स। पहला कॉम्पोनेंट है इसका फाइव कार्बन शुगर जिसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं दूसरा कॉम्पोनेंट है फॉस्फेट ग्रुप या उसको हम फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं और जो इसका तीसरा कॉम्पोनेंट है वो है नाइट्रोजनस बेसिस अब इस पिक्चर में आप लोग बहुत क्लियरली देख सकते हैं इसके तीनों कंपोनेंट्स विजिबल हैं फॉस्फेट ग्रुप भी आपको नजर आ रहा है एंड हेयर पेंटोज शुगर और साथ ही उसकी नाइट्रोजनस बेस अटैच है अब इसके जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो चार डिफरेंट टाइप्स की हैं और वो फोर नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी हैं वो है एडनिन गिन थान एंड साइटोसिन एडनीन और गवानीन जो हैं इनके डबल रिंक्ड स्ट्रक्चर्स हैं एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर और इसीलिए हम इनको प्यूरस कहते हैं जबकि पैरामिडीन्स जो हैं दे आर साइटोसिन एंड थान जो के सिंगल रिंक्ड स्ट्रक्चर्स हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में अब हम देखते हैं कि वॉट इज़ ए न्यूक्लियोटाइड ये जो तीन कंपोनेंट्स हमने पहले देखे हैं जो कि मिलकर एक uh, डी एन ए के मॉलिक्यूल को बनाते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक जो यूनिट बनाते हैं उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं सो so, तीन कॉम्पोनेंट्स मिलकर बनाएंगे एक मोनोमर विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड यही बहुत से मोनोमर्स मिलकर एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बनाएंगे विच इज़ कॉल्ड डीएनए अब डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी नाइट्रोजनस बेस अटैच है इस न्यूक्लियोटाइड में इसी बेसिस पे उसको डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं अगर उसमें प्रेजेंट होगी नाइट्रोजनस बेस एडनिन देन वी विल कॉल इट एडनिन न्यूक्लियोटाइड अगर उसमें प्रेजेंट होगी ग्वानी तो तब हम उसको बोलेंगे ग्वानी न्यूक्लियोटाइड। अगर उसमें थायमिन और साइटोसिन प्रेजेंट होंगे तो हम उसको कहेंगे थायमिन न्यूक्लियोटाइड एंड साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड रिस्पेक्टिवली सो so, यही जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं फोर डिफरेंट टाइप्स के यही मिलकर डिफरेंट सीक्वेंस में ये मिलते हैं एंड देन दे फॉर्म अ बिग लार्ज मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड डीएनए। सो एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें एक पेंटोस शुगर होगी एक फॉस्फेट ग्रुप होगा और एक कोई सी एक नाइट्रोजनस बेस होगी वन ऑफ द फोर नाइट्रोजनस बेसिस दैट वी हैव ऑलरेडी सीन

ईच डी एन ए मॉलीक्यूल कंसिस्ट्स ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स अब जैसे कि हमने आ, देखा कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक मोनोमर है जो कि मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल डी एन ए बनाता है सो so, ये आ, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये मिलकर एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं इन पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स के आ, दो स्ट्रैंड प्रजेंट होते हैं Uh, इस डीएनए uh, मॉलिक्यूल के अंदर जो कि ट्विस्ट हुए होते हैं अराउंड ईच अदर और एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं द अपराइट्स ऑफ द लेडर आर कंपोस्ट ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड अब इसके जो अपराइट्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि जो इसकी बैकबोन है वो शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बनी होती है The rungs are made up of nitrogenous bases of the nucleotides. Each rung consists of a purine matched with a pyrimidine. अब ये जो uh, ladder like structure है या जो double helical structure है इसके जो rungs हैं वो nitrogenous bases से मिलकर बने हुए हैं और ये nitrogenous bases जो हैं ये highly uh, इनकी जो selective uh, matching होती है कि साइटोसिन सिर्फ और सिर्फ गानीन के साथ ही बॉन्डिंग करता है और थायमीन सिर्फ एडनिन के साथ ही बॉन्डिंग कर सकता है सो so, जो चार पेयर्स पॉसिबल हैं इनसाइड दिस वो हैं एडनिन थायमीन थायमीन एडनिन साइटोसिन गुआनिन एंड गुआनिन साइटोसिन ओनली दीज पेयर्स कैन बी फॉर्म्ड अब हमने बात की इसके रंग्स की जो कि नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बने हैं और हमने देखा कि पायरामिडीन जो है वो प्यूरिन के साथ बॉन्डिंग करता है विच इज़ हाईली सिलेक्टिव अब इनके दरमियान में कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है सो दैट इज वीक हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं एक स्ट्रैंड की वो दूसरे स्ट्रैंड की नाइट्रोजनस uh, बेसिस के साथ अटैच होती है. हैं एडिनिन और थायमिन के दरमियान टू वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं जबकि साइटोसीन और ग्वानीन के दरमियान थ्री वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए। डीएनए इज डी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरेडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग सो जितने भी हेरेडिटरी uh, कैरेक्टर्स जो कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं उनको आ, उनकी जो ट्रांसमिशन है उसके लिए अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है या रिस्पॉन्सिबल है तो वो है डी ऑक्सीडाइबोन्यूक्लियर एसिड्स डी एन एल्सो हैज अ रोल इन प्रोटीन सिंथिस बाय प्रोड्यूसिंग मैसेंजर आर एन ए गिविंग द मैसेज फॉर द सिंथिस ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल मैसेंजर आर एन ए जो इंफॉर्मेशन है प्रोटीन सिंथिस की वो सब कॉपी करता है डी एन ए से और आगे चलकर फिर वो एक रिक्वायर्ड uh, या जो पर्टिकुलर प्रोटीन्स है वो फॉर्म करता है और आर के लेक्चर में यू कैन सी दिस इन डिटेल सो दैट वॉज ऑल अबाउट डी एन ए उसका हमने केमिकल स्ट्रक्चर देखा हमने देखा कि किस तरह से uh, उसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और हमने उसकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी देखी सो दैट वॉज ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग